हम शुरू करते हैं। मेरा नाम जोबिन मैथ्यू है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। एक सिविलाइज सोसाइटी के पार्ट एंड पार्सल हैं हम सब, और ऐसे ही एक सिविलाइज सोसाइटी के मिडिल क्लास परिवार से मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो हैं वो एक नॉर्मल कंपनी में काम करते थे, मेरी माता जो है वो एक हाउसवाइफ है। उनके बदौलत एक अच्छा तालीम पाया मैंने, और मैं खुश हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। बचपन में जब लोग मुझसे पूछते थे कि बेटा आगे बढ़कर क्या बनना चाहोगे, तो बचपन में है ना, हम सब कुछ हर कोई कोई ना कोई जवाब देता है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। मैं सारे जवाब दे देता था। किसी को मैं कह देता था मैं सोल्जर बनूंगा, कुछ को कह देता था पायलट बनूंगा। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और बढ़ता गया, मुझे समझ में आया एक बात, हर बार हम जो करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, अगर वो हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कुछ और ही हो जाएगा। खैर, मैं आपके सामने कुछ चैप्टर्स रखना चाहूँगा। मेरा पहला चैप्टर है बातचीत। ज़िंदगी में सबसे पहले 12-13 साल की उम्र में, जब मैं आप ही की उम्र का था, यहाँ पर बैठे सबसे वयस्क इंसान को भी उसी कैटेगरी में गिनते हुए मैं कहना चाहूँगा, जब 12-13 साल की उम्र में था, मुझे एक बात का समझ आया। वो ये है कि बातचीत कर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप बात करो, मैन्युपुलेट करो। खैर, उस समय पर मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम इंसानों को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ एक गहरा सत्य ये है कि हम खुद को भी मैन्युपुलेट कर रहे हैं। कितनी बार हमने खुद से कहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, कितनी बार हमने खुद से कहा है कि ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर फिट नहीं होता, मैं यहाँ के लिए बना नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसके या इस रेखा के बाहर नहीं जा सकता। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डीमोटिवेटेड आर सेल्फ एंड केप्ट आर सेल्फ इन टू दैट लेवल जहाँ पर हम रहना ही नहीं चाहते थे। हम खुद को मैन्युपुलेट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे शायद, क्योंकि हमारे अंदर ये गुण है। दिस इज अ क्वालिटी विच इज देयर इनसाइड अस। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, पर है जरूर। इसी के साथ हम दूसरे पड़ाव में, दूसरे चैप्टर में आते हैं। ये चैप्टर है जहां पर मैं समझता हूं कि दिमाग या बुद्धि या मन, उसके दो भाग होते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से, एनाटॉमिकल स्टडी के हिसाब से बहुत सारे भाग हो सकते हैं। यहाँ पर बातचीत के लिए मैं आपके पास दो भाग लेकर आया हूँ। हम जब हमारे मन के एक भाग को देखते हैं, वो एक ऐसा भाग है जिसे हम जिग्सॉ पज़ल के साथ जोड़ सकते हैं। आप सबने खेला होगा जिग्सॉ पज़ल। क्या होता है वो? एक गेम होता है जिसके अंदर बहुत सारे पीसेस होते हैं और उसके ऊपर एक चित्र बना हुआ रहता है, और वो चित्र को जोड़ना होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर अलग अलग पीसेस एक जैसे दिखते हैं, पर जब तक उसे सही जगह पर ना रखो तो हमें पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिल सकता। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब हम किसी से बात करते हैं और हमें लगने लगता है कि ये इंसान मेरे उस पिक्चर के साथ मैच करता है, मेरे उस कन्विक्शन के साथ मैच करता है, उस मोमेंट में, उस एग्जैक्ट पॉइंट में हम इंप्रेस हो जाते हैं। दैट इज द रीजन वी गेट इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल अराउंड इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें समझना चाहते हैं। जो MBBS की तैयारी करना चाहता है, उसने जिसने उसके एग्जाम को क्रॉस किया है, उससे इंस्पायर होगा, वो कोई आर्टिस्ट से इंस्पायर नहीं होगा। कई बार हम उस पिक्चर के साथ मैच करवाना चाहते हैं खुद को। दूसरा भाग, परफेक्शन। हम सब परफेक्ट होना चाहते हैं, राइट? हम यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, हम सब परफेक्ट होना चाहते हैं। बट परफेक्शन के बारे में एक बड़ा सत्य यह है कि वी एवरीवन ओवर हियर नो व्हाट इज परफेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शन इज श्योर इनसाइड आवर हेड। हमारे दिमाग में श्योर है कि परफेक्शन क्या है, बट वी आर नॉट श्योर कि परफेक्शन कैसे बनाया जाए, द वे टू क्रिएट परफेक्शन, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे कल एक चीज दिखा बाजार में जो परफेक्ट है,
दो महीने के बाद उसका एक एडवांस्ड मॉडल सामने आ जाए तो मैं कहूँगा कि अरे ये वाला परफेक्ट है, उससे ज़्यादा ये बेहतर है. परफेक्शन इज़ नेवर मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ कम या ज़्यादा. परफेक्शन इज़ ऑलवेज परफेक्शन. यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर इट रिमेन्स सेम. क्या हम परफेक्ट हो सकते हैं? कभी नहीं. हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है. यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को भर कर लाया हूँ, बट एम आई गोइंग टू स्पीक परफेक्ट? नो. क्यों? क्योंकि अगर परफेक्ट बोलना शुरू कर दूँ तो मैं भगवान बन जाऊँगा. और क्या मैं भगवान हूँ? बिल्कुल नहीं. क्या आप भगवान हो? बिल्कुल नहीं. तो परफेक्शन को कैसे हासिल करें? मेरे हिसाब से दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. अक्सर लोग ऐसा कहते हैं या मान लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ गुड वे और इज़ अ परफेक्ट थिंग. वेल, इफ इट इज़ सो, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं. परफेक्ट चीज़ों के साथ जुड़कर वो एहसास या मन में एक सत्य समझ में आता है कि नहीं, आई एम टूवर्ड्स परफेक्शन. दूसरी बात, या तो फिर मैं खुद अपने इम्परफेक्शंस को परफेक्ट समझ लूँ. अगर मैं अपने इम्परफेक्शंस को परफेक्ट समझ लूँ या मैं स्पिरिचुअलिटी या इत्यादि ऐसी कोई चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश करूँ जो ऑलरेडी परफेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा. यहाँ पर मैं मेरे चैप्टर 2 को ख़त्म करना चाहता हूँ, द ग्रोथ. हम ग्रो करते हैं और ग्रो करना चाहते हैं. इन बोथ दीज इंसिडेंसेस, भले ही आप किसी परफेक्ट चीज़ के साथ जुड़ रहे हो या अपने आप को इम्परफेक्ट मानकर उसी में जीना चाहते हो, दोनों सिचुएशन में अ नेचुरल फिनोमिनन ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस. आपको लग रहा होगा शायद नहीं होता, मैं समझाऊंगा कि होता है. इसी के साथ हम तीसरे चैप्टर में आएंगे. द थर्ड चैप्टर इज ग्रोथ, अ विलन. ग्रोथ कॉमा अ विलन एंड अ मिसअंडरस्टूड हीरो. ग्रोथ इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? हम हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब हम कहते हैं कि ग्रोथ होता है. पेड़ उगता है, बच्चे बढ़ते हैं. ग्रोथ इज नेवर इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. जब ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रहा है, देर इज ऑलवेज अ प्रेशर दैट पुल्स यू डाउन. आपने मनी प्लांट जरूर देखा होगा, वो बढ़ना तो ऊपर चाहता है पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर आ जाता है, और इसलिए घर पर कई बार उसे बांध कर रखना पड़ता है ताकि वो ऊपर की ओर जाए. सो ग्रोथ इज ऑलवेज इन अ अपर डायरेक्शन, बट एक फोर्स है जो हमेशा हमें रोकता है. आप शायद कुछ भी कर रहे हो, एक फोर्स जरूर होगा. आप किसी से अच्छा बात करना चाहते हो, डेफिनेटली देर विल बी अ फोर्स विच विल स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग गुड. आप किसी से हम्बली बात करना चाहते हो, शायद सामने वाले का ऑरा से आप भयभीत हो जाए, डर जाए, और आप शायद हम्बली बात ना कर पाए. खैर, देर इज ऑलवेज अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ऑब्स्टिकल्स. सो देर इज ऑलवेज एन ऑब्स्टिकल विच प्रेशराइज यू फ्रॉम गोइंग अपवर्ड्स. तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऑब्स्टिकल ऊपर आता है, ये विलन का काम करना शुरू करता है. बट एक्चुअली प्रॉब्लम इज नॉट दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, नॉट दैट ऑब्स्टिकल. क्योंकि यहाँ पर आपने जितने स्पीकर्स को सुना, ये जितने लोगों को आप सुन सकते हैं जिनका लाइफ स्टोरी इंस्पायरिंग है, वो हमेशा कहेंगे कि ये प्रॉब्लम था, आई सॉल्व्ड इट. द प्रॉब्लम रिमेन्स देयर, द प्रॉब्लम विल बी देयर. वो प्रॉब्लम कहीं नहीं जा रहा है. वो प्रॉब्लम मेरे लिए भी वैसा है, प्रॉब्लम दूसरे इंसान के लिए भी वैसा ही होगा. अगर मैं 25 किलोमीटर के मैराथन में भागने वाला हूँ तो धूप सारे पार्टिसिपेंट्स को एक समान लगेगा. बट आई सॉल्व इट. हु सॉल्व? आई. द मिसअंडरस्टूड हीरो इज दैट आई. हु इज दैट आई? द पर्सन हु इज इनसाइड यू. चैप्टर नंबर 3, ग्रोथ. द सेकेंड पर्सन द विलन एंड द थर्ड पर्सन द मिसअंडरस्टूड हीरो. आई इज दैट इमोशन. मेरे अंदर एक इमोशन है जो मुझे फोर्स करता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूं. पर जरा सोच कर देखिए आप इस तरह. आप भले ही एक एथिस्ट हो, नास्तिक हो, या एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हो, दोनों सिचुएशन में आप एक बात समझ सकते हो कि वी ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट
स्पीसीज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, राइट? थ्रू आउट दिस जनरेशन हमने बहुत सारी चीज़ों में इवॉल्व हुए हैं, एंड थ्रू दैट वी हैव कम अप टू अ सिचुएशन या स्टेज जहाँ पर हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सबसे ऊपरी स्तर पे अभी खड़े हैं. भले ही आप एक नास्तिक हो, आप एवोल्यूशन के थियोरीज पढ़ते हो, या आप एक ईश्वरीय विश्वासी हो, दोनों सिचुएशन में यू नो दैट यू आर द बेस्ट. एंड इफ गॉड हैज क्रिएटेड यू और इफ द फॉर्मेशन इज सो गुड इन यू, ये एक ऐसा इमोशन हमारे अंदर कहाँ है और क्यों है? अगर हम इतने परफेक्ट हैं और इतने अच्छे से बनाए गए हैं तो हमारे अंदर ये क्यों है? यहां पर बात आती है कि हमारे इमोशंस एक्चुअली कल्प्रेट नहीं है, हमारे इमोशंस एक्चुअली हीरोज हैं. वो हमें आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं. डर हमेशा महसूस करवाता है और हमें प्रेशराइज करवाता है कि हम कुछ बेहतर करें. अगर आपको यकीन नहीं होता, रात को सड़क से गुजरे, अगर आपके पीछे एक कुत्ता भागने लगे, आप क्या करोगे? आप भी भागोगे, या कुछ तो ऐसा करोगे जिसके वजह से वो कुत्ता आपको काटे ना. सो कहने का अर्थ यह है, फियर ऑलवेज इज देयर इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग, जस्ट सो दैट ही कैन ओवरकम दैट. फियर एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए है, निकलकर आगे बढ़ने के लिए है. बट कई बार हम उस फियर को, उस डर को गलत समझते हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू माई फोर्थ चैप्टर, एंड दैट इज इमोशंस. इमोशंस आर गुड, लव इज गुड, काइंडनेस इज गुड, एवरीथिंग इज गुड. अगर 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के पहले प्यार हो जाए तो प्यार सब कुछ खराब कर देगा. सो इमोशंस आर गुड, बट देन वॉट इज बैड इन इमोशन? इज देयर एनीथिंग बैड? नॉट एक्चुअली बैड. द इंटरप्रिटेशंस ऑफ इमोशंस हर्ट अस. इमोशंस, भावनाएं बहुत सुंदर है, पर जिस तरह से हम उसे इंटरप्रिट करते हैं, जिस तरह से हम उसका मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, आपकी जिंदगी में आप जिस तरह से उसका अर्थ निकालते हो, वहां पर प्रॉब्लम है. मैं मेरे डर के साथ लड़ता रहा. क्यों लड़ता रहा? क्योंकि मैंने मेरे इमोशंस को इमोशंस की तरह देखा. मेरे डर ने मुझे दबा दिया. क्यों दबा दिया? क्योंकि मेरे इमोशंस का इंटरप्रिटेशन गलत हो गया. द फोर्थ चैप्टर, इमोशंस, इमोशन एंड इंटरप्रिटेशन. इमोशन एंड इंटरप्रिटेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. इसलिए अगर आपका इमोशन आपको गिराने के लिए फोर्स करता है, गिरने में मजबूर कर देता है, probably your translation of that emotion is very bad. इसलिए मदद की जरूरत है, और मदद के लिए फैमिली है, फ्रेंड्स है, जरूरी है हम उनसे जाके बात करें. कई बार 5 मिनट की बातें सब ठीक कर देता है. कमिंग टू माई फिफ्थ चैप्टर, द लास्ट वन, द नॉलेज, द पैकेट ऑफ एवरीथिंग. इमोशंस सिर्फ भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है. एक दिन का बच्चा अपने माँ के छाती के साथ लगा हुआ रहता है. पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यार करता है, इसलिए क्योंकि उसका भूख मिटना जरूरी है. 50 साल का वही व्यक्ति अपने माँ से बेइंतहा मोहब्बत करेगा. क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है क्योंकि थ्रू आउट दैट स्पैन ऑफ 50 ईयर्स दैट पर्सन अंडरस्टूड व्हाट लव इज. बहुत सारे नॉलेज ऐड हो गए, बहुत सारे मेमोरीज ऐड हो गए, और बहुत सारे नॉलेज पैकेट्स ऐड होने की वजह से अब इमोशन एक दूसरा रूप ले चुका है. ये सारे इमोशंस के ऊपर अप्लाई करता है. सो गुड नॉलेज क्रिएट्स गुड इमोशंस, राइट? सिमिलर वे बैड नॉलेज क्रिएट्स बैड इमोशंस. डैनियल जे ब्रूस्टन एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस तरह कहा, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू डिस्कवरी इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द फुलिशनेस इन नॉलेज. द फुलिशनेस इन नॉलेज. इग्नोरेंट होना एक अलग बात है, पर नॉलेज में गलत हो जाना एक अलग बात है. अगर मैं नॉलेज में गलत हूं, मेरा चाल चलन बदल जाएगा,
मेरा सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग जिनके पास बहुत सारे डिग्रियां हैं उनके साथ बातें कर मज़ा नहीं आता, पर कई बार ज़िंदगी का सच कई बार राह चलता हुआ एक इंसान से कहा जाता है। इग्नोरेंस इन नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आज हम किन चीज़ों के पैकेट्स के साथ घूम रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिंदगी में जब तक हम इन पैकेट्स के साथ आगे चलेंगे, अगर वो गलत ठहरा, हम उसके बोझ के तले ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगे, नीचे की ओर जाएंगे, एंड दैट विल हर्ट अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इन आवर कम्युनिकेशन, इन आवर थॉट प्रोसेस, इन आवर स्पीकिंग, इन आवर एवरीथिंग, एवरी डिसीजन दैट वी टेक विल गो डाउनवर्ड्स एंड नॉट अपवर्ड्स। हम गिरते जाएंगे। आपको याद होगा मैंने जिक्सो पजल के बारे में कहा, राइट? जिक्सो पजल में एक पिक्चर होता है और वो पिक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पिक्चर बन नहीं जाता, हम उसे जोड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, बट जिस मोमेंट में वो पिक्चर बन जाता है, वी फील गुड। पता है किसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो पिक्चर बनाने के लिए या बनाने के बाद? उन लोगों को जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया। इट इज़ नॉट द गोल दैट रियली मैटर्स, इट डेफिनेटली मैटर्स, आई वोंट से इट डोंट मैटर, इट डजंट मैटर, बट वॉट एक्चुअली मैटर्स इज द जर्नी दैट वी गो थ्रू। वो जिक्सो पजल के अंदर बढ़ते रहना ज़रूरी है। मैं ऐसा ऐसा काम कर यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने इतना इतना किया है। ये मंच एक गोल नहीं है, ये एक जर्नी है, इसके साथ आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। अगर 9th स्टैंडर्ड का बच्चा सोचेगा कि 9th स्टैंडर्ड का पास करना इज़ माई गोल, फिर उसके बाद उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। But that was a journey, that's why he entered into 10th standard. So it's a journey that really matters. Aur isliye jab tak wo picture aapke dimag mein nahi banta, jab tak wo image aapko satisfy nahi karta, let me make this very clear. Jaise kisi bade insaan ne kaha hai aur hum jante hain ki wo bada insaan kaun hai, picture abhi bhi baki hai mere dost, picture abhi bhi baki hai. So keep trying. Never say never, live your life. Thank you so much.